ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम ग्रामीण छिंदवाड़ा ने शुक्रवार को अपनी मांग किसानों की मक्का फसल का पंजीयन करवाने, उसका समर्थन मूल्य दे दिए जाने, बिजली कटौती बंद कर बिजली बिलों में सुधार, कोरोना वायरस बिल माफ किए जाने, फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने, महंगाई कम करने, रुके हुए विकास के कार्यों को प्रारंभ करवाने, खाद्य के मूल्यों में वृद्धि पर रोक लगाए जाने और पढ़े लिखे युवाओं महिलाओं को रोजगार प्रदान करवाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण और सभी हमारे अध्यक्ष तिवारी जी और जीवन सिंह पटेल, हमारे बंटी पटेल जी, अजय भाई और दिगम्बर ठाकरे जी और सभी हमारे पदाधिकारियों के द्वारा और कार्यकर्ता सब किसान बंधु संतोष पटेल जी हमारे जनपद के उपाध्यक्ष और मनोज भाई हमारे जनपद के अध्यक्ष, सभी लोगों के द्वारा ये आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें हमने जो मांग उठाई है, मुख्यतः जो हमारी मक्का का फसल है 2.5 लाख हेक्टेयर में जिले में बोई गई है, लेकिन अभी तक उसके पंजीयन का आदेश नहीं आया, जिससे समर्थन मूल्य पे खरीदी मक्का की नहीं हो पाएगी और इसके कारण किसानों में बहुत चिंता है और इसको लेके लगातार आक्रोश है। तो हमने जो हस्ताक्षर अभियान इसके लिए चलाया था, गांव-गांव में हमने इसका हस्ताक्षर अभियान चलाया था,